Hello students, today we are going to learn about array in C programming. So what is an array? So basically array is sequential data. I mean it is a collection of sequential data with having a same data type. So array is a collection of data items all of the same type accessed using a common name. So it is a collection of data type with this with the same data type which shared a common name. ठीक है, देन एरे इज यूजर स्टोर अ कलेक्शन ऑफ द डेटा. बेसिकली इसका यूज़ इसीलिए होता है कि कलेक्शन ऑफ द डेटा वी कैन स्टोर अ कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द सेम टाइम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एरे. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड थ्री डायमेंशनल एरे. Now we will see the advantages of an array. So multiple data item of same data type can be accessed using single name. So यहाँ पे बहुत सारे data हम store करा सकते हैं सिर्फ एक ही single name का use करके, और which having a same data type. Then array can be used to implement a matrix. Basically हम लोग matrix का जब use करते हैं तो उसका उसमें भी हम data collect करते हैं with the help of array. Then data structure like queue and linked list can be accessed using array. तो data structure है हमारे पास, stack है, stack है, queue है, linked list है, ठीक है. तो basically queue and linked list में हम लोग array का use करते हैं. Then enable it will so array will enable the user to develop a concise and efficient program. So with the help of array the user can develop a very efficient and concise program. इसका मतलब है कि बहुत ही efficient और जो अच्छा program बना सकता है, developer बना सकता है. Now we will see the declaration of the array. So first, this is the syntax. So first we use data type, then space array name and in the square bracket size of array. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है, हाइट एरे नेम है एंड 50 एरे की साइज है. वी आर गोइंग टू स्टोर 50 एलिमेंट इन द फ्लोट. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करते हैं, दिस डिक्लेयर्स हाइट टू बी एन एरे विच कंटेनिंग 50 फ्लोट एलिमेंट्स. ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, विच इज इन ग्रुप 10. तो यहाँ पे जो इंट है वो क्या है, डेटा टाइप्स है. ठीक है, तो दिस विल डिक्लेयर्स अ ग्रुप एज एन एरे विच कंटेन्स अ मैक्सिमम ऑफ 10 इंटीजर कॉन्स्टेंट. वो यहाँ पे ग्रुप जो एरे नेम है विच विल कंटेन 10 इंटीजर कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसमें हम लोग 10 एरे के एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं, 10 इंटीजर कॉन्स्टेंट स्टोर करा सकते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ हाउ वी विल स्टोर दिस एरे इन द मेमोरी लोकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि इंटीजर ए ऑफ 5. तो हमें ये इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स, इंटीजर टाइप के एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, हाउ वी विल स्टोर इन द मेमोरी. तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं मेमोरी लोकेशन पे, ए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टोर करेंगे ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, देन ए ऑफ 2, देन ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4. तो बेसिकली यहाँ पे 5 स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे 5 स्टोरेज लोकेशन है. यहाँ पे कंटेन मतलब यहाँ पे इसको लोकेशन दे दिया है ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4. तो ये जो सारे एरे है, सो ईच स्टोरेज विल कंटेन 2 बाइट्स. तो यहाँ पे जो 5 स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी, सो ईच आर हैविंग 2 बाइट्स. 2 बाइट्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया है, उसकी साइज क्या होती है, 2 बाइट्स. तो यहाँ पे जो स्टोरेज 5 स्टोरेज आपको दिख रहा है, विच सो यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टोरेज आर हैविंग 2 बाइट्स. ओके, सो ऐसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. नाउ हाउ वी इनिशलाइज एरे, यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि यू आर असाइनिंग एलिमेंट्स टू ईच डेटा आइटम. तो यहाँ पे ए ऑफ 0 है, उसको हम 10 वैल्यू असाइन करते हैं, देन ए ऑफ 1 20, ए ऑफ 2 30, ए ऑफ 3 40, ए ऑफ 4 50. तो
यहाँ पे हमने सारी वैल्यू असाइन कर दी है एरे ए को, यहाँ पे एरे का नाम है ए। देखिए इंटीजर ए ऑफ 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10, 20, 30, 40 and 50। तो यहाँ पे जो 5 स्टोरेज है देखेंगे हम लोग कि मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। सो सी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 दिया था, यहाँ पे ऐसे ही होगा 10, 20, 30, 40 and 50। बट कैसे होगा, फर्स्ट में लोकेशन कौन सा होगा मेमोरी लोकेशन पे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 20, सॉरी ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। तो एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द सेम टाइप ऑफ द डिक्लेरेशन। यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड यहाँ पे आप प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब जब भी हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू एट द सेम टाइम वी आर डिक्लेरिंग द एरे। तो यहाँ पे बोथ यहाँ पे हम लोग सेम टाइम पे कर रहे थे। सो दिस इज हाउ वी आर स्टोरिंग, वी आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ एरे। सो बेसिकली अगर हम एन नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो रेंज होगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 to n-1। सी यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट यूज़ किए थे, ठीक है, तो विच वुड बी ए स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। तो यहाँ पे आ गया 0 to 4, n-1 = 4, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वैल्यू वुड बी स्टोर इन द मेमोरी एंड दिस इज़ हाउ इनिशियलाइजेशन डन इन द एरे। थैंक यू स्टूडेंट्स।